हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है आपके इकामे पे कितना सिम चालू है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इकामे पे अपना सिम कैसे चेक किया जाता है। क्या होता है दोस्तों, आप सिम निकालने जाते हैं, आपको एक्स्ट्रा सिम निकाल लेता है और आपको मालूम भी नहीं चलता है। तो इस वीडियो में यही मैं बताऊंगा इकामा नंबर से या बॉर्डर नंबर से एक्स्ट्रा सिम कैसे चेक किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना और चैनल पर पहली मरतबा जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन घंटी भी जरूर क्लिक करना। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों एक मोबाइल फ़ोन लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन किया। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद में गूगल यहाँ पे ओपन हो गया है। तो यहाँ सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हाउ मैनी सिम इन माई इकामा, यही लिख के आपको सर्च करना है। जैसे कि मैं लिखा हाउ मैनी सिम इन माई इकामा, यही लिख के सर्च करना है। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे टाइपिंग कर रहा हूँ, आपको भी यही सेम टाइपिंग करना है। टाइपिंग करने के बाद में यहाँ पे मैं सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में देख सकते हैं दोस्तों एक नया पेज ओपन हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है चेक हाउ मैनी सिम रजिस्टर्ड ऑन इकामा, तो यही मेन वेबसाइट है चेक करने का। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों एक नया पेज ओपन हुआ, जैसे कि मैं क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों एक नया पेज ओपन हुआ है। तो इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, जहाँ पे मैं तीर का निशान लगाया हूँ वहाँ पे एक लिंक दिखाई दे रहा है। उस लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको भी सेम इसी तरह से करना है। जी हाँ दोस्तों, मैं लिंक पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में देख सकते हैं दोस्तों मेन वेबसाइट ओपन हो चुका है। यहाँ पे माई रजिस्टर्ड नंबर लिख रहा है, तो उसके बाजू में एक मैं लाल बॉक्स का निशान लगाया हूँ, उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंक्वायरी ओपन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहीं से आप सिम चेक कर सकते हैं आपके इकामे नंबर पे कितना एक्स्ट्रा सिम निकला हुआ है। तो यहाँ पे बिजनेस टाइप क्लिक कर लेना है, जैसे कि इंक्वायरी टाइप में आपको बिजनेस सिलेक्ट करना है। नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों लिखा हुआ है सी आर नंबर, यानी कि इसी को इकामा नंबर बोलते हैं या बॉर्डर नंबर बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे बॉर्डर नंबर क्लिक करना है, जैसे कि मोबाइल डिस्प्ले पे मैं दिखाया। तो इकामा नंबर क्लिक करने के बाद में सबसे नीचे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, तो उसमें मोबाइल नंबर फिल करना है। फिल करने के बाद में फाइनली इंक्वायरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों मैं इकामा नंबर और मोबाइल नंबर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में दोस्तों इंक्वायरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक ओटीपी आएगा, जो आप मोबाइल नंबर क्लिक किए हैं उस पर एक ओटीपी आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ओटीपी आ चुका है। तो उसके बाद में इस खाली वाले बॉक्स में क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मेरा इंक्वायरी रिजल्ट खुल चुका है। जैसे कि आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ इंक्वायरी रिजल्ट 2, यानी कि मेरा रिजल्ट आ चुका है। तो यहाँ पे मेरा दो सिम निकला हुआ है एसटीसी का, एक मैं सिम चलाता हूँ, एक कोई और चलाता है, और दोनों सिम प्रीपेड का है। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं मेरे साथ एक फ्रॉडगिरी हुआ है। जैसे कि मैं इकामा पे एक सिम निकालने गया और मेरा दो सिम निकल चुका है। तो यहाँ पर मैं एक सिम चलाता हूँ, एक सिम कोई और चलाता है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से आप अपना इकामा नंबर से अपना सिम चेक कर सकते हैं कितना सिम निकला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी को ज़रूर क्लिक करें।